अरे इधर से उधर पहले बेल दिला दो तो तुम्हें पोस्टर में बेल होता क्या आप बोलो आपकी गलती आप लोग ये कर रहे पहले भी छोड़े पहले भी छोड़े आप पहले भी छोड़े पहले भी छोड़े और राम पहले भी छोड़े पुलिस की लाइन है पुलिस की लाइन है अंदर चलो और क्या भाई टी शर्ट वाले मैं उनका फैमिली का उनके मामू का मैं यहाँ हूँ पोस्टर में बेल होता क्या आप बोलो आपकी गलती आप लोग ये कर रहे पहले भी छोड़े पहले भी छोड़े आप पहले भी छोड़े पहले भी छोड़े और राम पहले भी छोड़े पुलिस की लाइन है पुलिस की लाइन है अंदर चलो करना है डोर उतार क्यों पकड़ के लाए आपको क्यों पकड़ के लाए एक्सक्यूज मी सर जी क्यों पकड़ के लाए आपको बच्चे हुकूमत में बीआरएस हुकूमत में इनके भाई भी ऐसी हरकत करे थे इनो भी थे उसमें मुलविस इसके ऊपर आप क्या कहेंगे इससे पहले भी ये बंदा ये हैवान इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत किए थे उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा वो पोस्को एक्ट भी है अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेजी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है इसके ऊपर हम एसीपी साहब को बात करें एसीपी साहब हमारा को और यहाँ के लोकल जो भी सीआई साहब है इंचार्ज उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे क्या इनके भी साथ वही होंगे नहीं इंशाल्लाह एसीपी साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सजा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्हें करते और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा एसीपी साहब खुद हमको तवक्के दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सजा दिलाते बोल के कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के एसीपी साहब ये हमको वादा करे हम इंशाल्लाह एसीपी साहब को वादे के ऊपर हम लोग अभी यहाँ से जा रहे और
वो एसीपी साहब के हम शुक्रगुजार है कि हम आपको कोऑपरेट करें और उसके ऊपर एफआईआर करें उन्हें। यहाँ पर आने का मकसद ये है जो मुस्कान के ऊपर कल परसों रात में जो वाकया हुआ वो वाकया कल मालूम होने के बाद साहब यहाँ पर आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनके साथ हम सब जो लोग भी आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनसे उनके खानदान अफराद से बात किए, बात करने के बाद मालूम ये हुआ कि उनके वालदा और उन दोनों यहाँ रहते, वालदा थोड़ा बहुत मेंटली अनसेट है, उन तो वो बच्ची यहाँ रहती, लिहाजा वो राधा कृष्णा जो भी है वो राधा कृष्णा को डिपार्टमेंट पुलिस अरेस्ट कर रिमांड करा, रिमांड करने का हम एक 24 घंटे के अंदर उसको रिमांड किए और ऐसे वाकये ऐसे वारदात आइंदा नहीं होना, इंसानियत के नाते हम सब मिलकर रहने वाले हैं और रहेंगे, लेकिन ऐसे वाकयों को हम खंडन कर रहे हैं। वैसे ही साहब के थ्रो तहसीलदार साहब को IDCS चेयरमैन को जो बात करे ऑफिसर को बात करे, वो बच्ची को एक मकान, वो बच्ची के नाम से ही मकान डबल बेडरूम में एक मकान दिया जा रहा है, वैसे ही वो बच्ची को एक आया के टाइप पे एक नौकरी भी दिया जाने के लिए हिदायत दी, इस चीज आइंदा नहीं होने के लिए अपन इसको खंडन करेंगे और ऐसा करने वालों को हमेशा हुकूमत बराबर केस करके उनको अंदर डालेंगे।